एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ एन आइडल गैस, दैट इज पी बी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और पी वन वी वन गामा इक्वल टू पी टू वी टू गामा। इस वीडियो लेक्चर में हम जो एडियाबेटिक इक्वेशन होगी ऑफ एन आइडल गैस उसको ड्राइव करेंगे। इसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर वन मोल ऑफ एन आइडल गैस इन अ वेसल, लेट इट एक्सपेंड एडियाबेटिकली सो दैट चेंज इन इट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू डीबी। हमने क्या किया कि वन मोल ऑफ एन आइडल गैस ले ली किसी वेसल में, जब गैस एक्सपेंड करेगी तो उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, और वो हमने जो चेंज आया वॉल्यूम में वो ले लिया डीबी। देन वर्क डन बाय द गैस, जो वर्क डन होगा गैस के द्वारा वो बन जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डीबी, और वेयर पी इज द प्रेशर ऑफ द गैस। वर्क इज डन बाय द गैस एट द कॉस्ट ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी, सो देयर शैल बी फॉल इन टेम्परेचर। जो ये वर्क डन होगा वो होगा हमारे पास एट द कॉस्ट ऑफ इट्स ऑन इंटरनल एनर्जी। इसके कारण क्या होगा, जो फॉल आएगा उसके टेम्परेचर में वो हमारे हम मान लेते हैं वो डी टी आ रहा है, सो दैट इज डी यू इक्वल टू वन मोल ले रहे हैं हम गैस का, वन मल्टीप्लाई सी वी मल्टीप्लाई डी टी, दिस इज इक्वल टू सी वी डी टी। तो डी यू किसके बराबर आ गया, डी यू इज इक्वल टू सी बी डी टी, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर वन, वेयर सी बी इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। नाउ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास होता है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। सो जो हमारे पास डी यू की वैल्यू है यहाँ से हम यूज़ कर लेंगे सी वी डी टी हियर, तो हमारे पास ये बन जाएगा डी क्यू इक्वल टू सी वी डी टी प्लस, और डी डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास ये पी डी बी है, तो पी डी बी। एंड फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज होता है, बट देर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, मतलब डेल क्यू इज इक्वल टू जीरो जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा दिस इज सी वी डी टी प्लस पी डी बी इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। नाउ फॉर एन आइडल गैस पी बी इज इक्वल टू आर टी, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड वी गेट, तो यहाँ पे दो फंक्शन है पी और वी, फर्स्ट को हम एज इट इज रखते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव डी बी प्लस सेकंड को एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव दैट इज डी पी इक्वल टू आर कॉन्स्टेंट है बाहर और आ जाएगा डी टी। सो थोड़ा इसको और ही रीअरेंज करते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा डी टी इज इक्वल टू पी डी बी प्लस वी डी पी ओवर आर, एंड इसके बाद हम डी टी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे इक्वेशन थ्री में, तो हमारे पास बन जाएगा सी वी पी डी बी प्लस वी डी पी ओवर आर प्लस पी डी बी इक्वल टू जीरो, दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर। अब हम इसके बाद थोड़ा इसको और रिरेंज करते हैं, अब यहाँ पे आर एलसीएम ले लेंगे हम, तो हमारे पास बन जाएगा सी बी पी डी बी प्लस वी डी पी प्लस पी आर डी बी ओवर आर इक्वल टू जीरो, सो दिस इंप्लाइज सी बी पी डी बी प्लस वी डी पी प्लस पी आर डी बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा जीरो, दिस इज इक्वेशन नंबर फाइव। आल्सो वी नो दैट सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर, ये हम वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगी इक्वेशन, सो इक्वेशन फाइव बिकम्स सी बी
PdV plus VdP plus P Cp minus Cb dB equal to 0. This implies Cb PdV, थोड़ा Cb के साथ हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा VCb dP plus here P और dP के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो कर देंगे तो ये बन जाएगा PCp dB माइनस प्लस इनटू माइनस माइनस यहां पे आ जाएगा पी सी बी डी बी इक्वल टू जीरो. सो यहां पे सी बी पी डी बी और यहां पे ये पी सी बी डी बी ये प्लस का है ये माइनस का कट हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा वी सी बी डी पी प्लस पी सी पी डी बी इक्वल टू जीरो. नेक्स्ट स्टेप में हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड विद द सी बी पी बी के साथ तो हमारे पास बन जाएगा वी सी बी डी पी ओवर सी बी पी बी प्लस पी सी पी डी बी ओवर सी बी पी बी इक्वल टू जीरो. सो हेयर सी बी के साथ सी बी कैंसल और वी के साथ बी कैंसल. इस साइड हमारे पास पी के साथ पी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा पी डी पी ओवर पी प्लस CP over CB and DB over B equal to 0. What we know that CP over CB this is equal to gamma and this is the ratio of specific heat of gas. Gamma is the ratio of specific heat of gas. So हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा DP over P plus gamma DB over B equal to 0. Now integrating both side we get जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा दिस वन log of P plus gamma log of V equal to 0. अब next step में हमारे पास बन जाएगा log of P V gamma equal to 0 और PB gamma equal to constant. अगर हमारे पास इनिशियल प्रेशर P1 है वॉल्यूम B1 है और फाइनल प्रेशर P2 है वॉल्यूम B2 है तो हमारे पास बन जाएगा P1 V1 gamma equal to P2 V2 gamma. दिस इज द एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ एन आइडियल गैस.